जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि तमिलनाडु में जहां सीट नहीं मिलनी है वहां पर इतना जोर क्यों लगा रखा है बीजेपी ने, तो उसकी वजह यह शायद कि ये वाला एक लेटेंट फीलिंग काम करती है। और जो फर्क है, पहले द्रविड़ियन पॉलिटिक्स क्या रही है कि सेंटर से शिकायत करो, और उसके कारण हम लोग नॉर्थ और बनाम साउथ देखते रहे हैं। मोदी जी की जुबान इस बार नॉर्थ और साउथ को इंटीग्रेट करने पर ज़्यादा है, और वो तमिल सेंटिमेंट को इसके ऊपर जाके समझा पा रहे हैं कि नहीं, ये क्वेश्चन है। हाँ, मतलब अगर हम राम मंदिर के इनॉग्रेशन के टाइम भी देखें तो उन्होंने यहाँ से शुरुआत करी, तो एक जो नॉर्थ साउथ डिवाइड को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करी। उन्होंने यह मैसेज देना चाहा कि राम सिर्फ नॉर्थ के भगवान नहीं है, साउथ के भी भगवान है, और साउथ में इनफैक्ट तमिलनाडु और कर्नाटक में काफ़ी टाइम उन्होंने अपने एग्जाइल के दौरान बिताया है। तो इसको पाटने की कोशिश कर रहे हैं वो। और अगर डेटा की बात देखें तो बहुत ज़्यादा स्विंग वोटर हैं तमिलनाडु में। 2014 में AIADMK को लगभग 45% वोट मिले थे, लगभग 25-26% ज़्यादा। वहीं 2019 में वो 22% उसका वोट जो है वो कम हो गया था। तो इसका मतलब है ये जो वोट है ये कोई हार्डकोर AIADMK या DMK वोट नहीं है, ये एक स्विंग वोट है, न्यूट्रल वोट है, मे बी यूथ वोटर है, अर्बन, सेमी अर्बन, मिडिल क्लास वोटर है। और इसके ऊपर नज़र है बीजेपी की। अगर आपको ध्यान हो 2019 में भी जब ये कहा जा रहा था कि बीजेपी मैक्स आउट कर गई है नॉर्थ में, उस समय भी अगर हम ये ध्यान दें कि कौन सी वो टॉप 3 स्टेट्स थी जहां पर मोदी जी ने सबसे ज़्यादा रैलीज करी थी, यूपी के बाद आपको आश्चर्य होगा बंगाल और उड़ीसा थी। बिल्कुल, और उसके बाद अब तमिलनाडु का नंबर बिल्कुल।